बिल्कुल देखिए, बिलपाक थाने में 510 पेटी शराब लगभग 67 लाख की और पूरे वाहन लगभग 50 से 55 लाख के वाहन, कुल लग मशरूका लगभग 1,22,00,000 की जो है जब्ती बनाई गई है। पूरा प्रकरण कुछ इस तरीके से है कि लगातार सूचना मिल रही थी कि बिलपाक एरिया से जो है बाहर की गाड़ियों से जो है लगातार शराब की तस्करी हो रही है। चेकिंग लगाई गई थी, उसमें एक नागालैंड पासिंग गाड़ी NL07AA3565 इसको चेक किया गया, मुखबिरी थी इसके आधार पर 510 पेटी शराब जो है जब्ती गई, सभी इंडियन मेड फॉरेन लिकर थे। और इसमें जब्ती करके जो है जानकारी ये लगी थी कि ये हरियाणा से लेकर के अकोला महाराष्ट्र जो है ये गाड़ी को ले के जा रहे थे। तो लगातार जो है शराब पर दबिश जारी है। पिछले जो है 2 से 3 दिन पहले भी जो है जावरा शहर में जो है लगभग 500 पेटी जो है शराब पकड़ी गई थी। आगे भी इस तरीके से कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बिल्कुल, देखिए ये हरियाणा पूर्व में भी जो है ये हम लोग ये मूवमेंट होता रहा है, तो ये जो जानकारी आई है कि हरियाणा से ही कुछ तस्करी होती रही है और अकोला के एक व्यक्ति है वहाँ पर डिलीवरी होनी थी। अभी और इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये गाड़ी जो है पिछले एक साल में 2 से 3 बार इस तरीके से जयपुर में भी तस्करी में जो है लिप्त हो चुकी है। हाँ, एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है जो ड्राइवर है। बाकी और हम जो इस पर वर्कआउट करेंगे, जो भी आरोपी हैं उनको जो भी संदिग्ध रहते हैं उनको आरोपी बनाएंगे। हाँ देखिए, ये बेसिकली हरियाणा से जो है पूर्व में भी जो है यहाँ पे कार्रवाइयाँ हुई थी ज़िले में। हरियाणा से जो है लगातार तस्करी होती रही है महाराष्ट्र के साइड में शराब की, और इसी को लेकर के जो है ये गैंग लगातार एक्टिव रहती है। बाहर की गाड़ियाँ, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की गाड़ियों का जो है प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ होती हैं। तो इसको लेकर के लगातार जो है हम लोग जो है दबिश बना करके रखे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। आगे भी कुछ अच्छी कार्रवाइयाँ होंगी।